अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे, घर में देसी टाइप के गोलगप्पे। और उनके लिए जो हमें चीज़ें दरकार होगी वो है, हमने 3 मीडियम किस्म के आलू लिए हैं, उनको उबाला है, और इमली लेकर उसको पानी में मैश किया हैंड के साथ, और इसमें पुदीना क्रश करके डाला है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हमने कटिंग करके रखे हुए हैं। इसके बाद हमने ज़ीरा लेकर उसको भून लिया है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया ना। देन उसके बाद हमने चने लिए जो कि बॉयल हो रहे हैं, देखिए। फर्दर हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। ये तो व्यूज़ से हमने ज़ीरे को गोल्डन ब्राउन कर लिया, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे। आप इसको कुंडी में भी कर सकते हैं और ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जिसे पंजाबी में दड़ दड़ ना कहते हैं ना, वो हमें इसे करना है। हल्का हल्का मैश किया, ये देखें, बस ऐसा हो कि ज़्यादा बारीक भी ना हो। हाँ जी, तो ये देखें हमने आलू को बॉयल कर लिया है, अब हम इसका छिलका उतारेंगे। आलू ज़्यादा गर्म है इसलिए आहिस्ता आहिस्ता से हम इसका छिलका उतारेंगे। आलू को ज़्यादा भी नहीं करना कि गल जाए, बस नॉर्मल सा हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इनका छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करेंगे। अच्छा, ये देखिए छोटे छोटे पीसेस करेंगे, अभी बहुत गर्म है, ये देखिए। इसी तरीके से हम सबको कटिंग कर देंगे। हाँ जी, तो व्यूज़ हमने चने बॉईल कर लिए हैं, इन्हें ठंडा किया, ये हल्के हल्के जो है नीम नीम गर्म है। तो अब हम इसमें ये आलू कटिंग किए, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज डालेंगे, हमने पहले से कट करके रखे हुए हैं, इसको हल्का सा मैश कर लें। कटिंग किए प्याज हमने इसे मिक्स, ये देखें ये पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं हमने, इन्हें इकट्ठा किया है, अब इनकी हम कटाई करेंगे बहुत ही बारीक बारीक। पुदीने के पत्ते इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये एक खुशबू और टेस्ट लग देता है। चलें अब हम इसे सबको मिक्स कर लेंगे। आप लोग हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। हमारा ये मिक्सर तैयार हो गया, अब हमने एक कटोरी में दही लिया है, उसको हम अच्छे से फेंटेंगे। ये भी हमने इसे फेंट लिया, तो अब जो है इसका यूज़ हम गोलगप्पों में करेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास गोलगप्पे हैं क्योंकि बाज़ार से बने हुए लिए हैं, आप बाज़ार से बने बनाए ले सकते हैं, अगर घर में आपको ना बनाने आते हैं तो हमने बाज़ार से बने हुए लिए हैं। घर में बनाने का तरीका भी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसकी हम भराई करेंगे, ठीक है, ये देखें, और फिर अंदर दही डालेंगे, ये देखें। इस तरह ही हम सब गोलगप्पों की भराई करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो अब आ जाए पानी की तरफ, ये देखें इसमें हमने पानी था, इसमें पहले हमने इमली को अच्छे से मैश किया था, फिर उसके अंदर हमने ये पुदीना जो है जैसे मैंने आपको भी बताया वैसे ही सेम हमने इसमें कटिंग की। तो अब हम इसका पानी बनाएंगे। ये देखें इसमें हम ये सादा पानी यूज़ करेंगे, इसमें सादा पानी यूज़ करना है,
चूँकि हमने इमली सिर्फ इतनी सी ली थी थोड़ी सी, तो उसके लिए हम हाफ बोतल पानी डालेंगे। ठीक है, ये हमने ज़ीरे की बुनाई की थी तो इसलिए ज़ीरा हम इसमें हसबे जायका बस। चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, ये आपके टेस्ट पे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें और डाल सकते हैं, तो हम इसमें इतना सा ही डालेंगे। नमक की मैंने इमली को मैश करते वक्त नमक डाला था थोड़ा सा, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं नमक का टेस्ट। जी व्यूज, नमक बिल्कुल इसमें ठीक है, नमक की दो चम्मच डालनी है। अब इसमें हमने आइस क्यूब देखें पहले बना के रखे हैं, पहले वो इसमें डाल देंगे। जी तो नाज़रीन वेलकम है दोस्तों अगेन फिर, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के देखिए, और साथ ही साथ लाजमी ट्राई भी कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगरेबान।